हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी पिछली वीडियो में, तो आज हम क्या करेंगे 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जैसे हमने 1.1 की एग्जांपल वगैरह की थी, तो उसी तरह हम इसकी एग्जांपल करेंगे। ये इसकी एग्जांपल दी हुई है और प्रॉपर्टीज़ भी दी हुई है, डीटी प्रॉपर्टी, ठीक है, और हमारी सब्ट्रैक्टिंग, और उसके बाद एग्जांपल है, और उसके बाद 1.2 हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो ये 1.2 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं क्या करूँ, हम इसके बारे में थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज़ और थोड़ी सी एग्जांपल कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो पहले क्या बोल रहे हैं, पहले बोल रहे हैं एडिटिव ऑफ इंटीजर। तो एडिटिव ऑफ इंटीजर मतलब कि जो नंबर लाइन है हमारी, जो नंबर लाइन होती है, ठीक है, उसको ऐड करना। उसको कैसे ऐड कर सकते हैं, तो दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। यहाँ बोल रहे हैं एक तो ऐसा तरीका जिसके अंदर एडिटिव ऑफ टू इंटीजर हैविंग सेम साइन के होंगे, एक टू इंटीजर हैव डिफरेंट साइन के होंगे, ठीक है। साइन का मतलब जैसे अगर मैं कहता हूँ मेरा आ जाएगा -5 तो ये नेगेटिव साइन का है, और ये मेरा +5 ये मेरा पॉजिटिव साइन का है। तो ये है मेरा साइन आ जाते हैं अलग अलग साइन के, तो इन दोनों को ऐड करना तो क्या आएगा, ठीक है। अगर सेम सेम साइन मतलब कि एक मेरा +5 है और एक मेरा फिर +5 है, ये सेम सेम साइन के हो जाएंगे। ओके रजे, तो चलो करते हैं स्टार्ट। एडिटिंग ऑफ टू इंटीजर हैविंग सेम साइन, मतलब कि हमें क्या चाहिए, सेम साइन के होने चाहिए। तो पहले रहिए पॉजिटिव 10 और 23 के हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। और एक बात और याद रखना, अगर किसी भी डिजिट के आगे कुछ नहीं पड़ा, जैसे मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ, तो आप कहोगे ये कौन सा है ना, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो हमेशा याद रखना ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इसके आगे जो पॉजिटिव साइन है वो हम नहीं लगाते, हम अपने आप समझ जाते हैं कि पॉजिटिव होता है। अगर किसी चीज़ को नेगेटिव दिखाना है तो हम उसके आगे नेगेटिव लगा देते हैं। पर्टिकुलर नेगेटिव लगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि नेगेटिव दिखाना पड़ता है, पॉजिटिव नहीं दिखाना पड़ता, पॉजिटिव अपने आप ही होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर 10 क्या है फिर पॉजिटिव है, और बीच में प्लस इनको ऐड किया गया है, और 23 भी क्या है पॉजिटिव है, दोनों को ऐड करेंगे 3 हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड, दोनों क्या है पॉजिटिव। अब आपको कि 70 यहाँ पर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो 70 का कुछ नहीं पड़ा, तो इसका मतलब उसके आगे पॉजिटिव जरूर पड़ा है। पहले बार बार कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो ये पॉजिटिव जरूर है, इसके आगे हम निशान लगाते नहीं हैं। ओके, तो इनको प्लस करेंगे, 88 हमारा आंसर आ गया। अब थर्ड एग्जांपल देखो क्या बोल रहे हैं। थर्ड एग्जांपल में कह रहे हैं कि -50 मतलब निशान दे दिया -50 का, और बीच में प्लस तो करना ही है। प्लस क्यों करना, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो ऐड तो करना ही पड़ेगा बीच में प्लस, और -32 मतलब कि दोनों जो साइन है वो सेम साइन है, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर -82 कैसे आया, तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले दो तो समझ आ गए होंगे, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा हम, यहाँ समझते हैं, ध्यान से देखना क्या होता है, ध्यान देखना। अगर मैं कहता हूँ कि 2 मेरे पास ऐसे नंबर है जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, और उनके बीच में निशान पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव हो जाते हैं, क्लियर है। अगर मेरे पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, मेरा माइनस हो जाता है, हम उसको माइनस करेंगे। अगर माइनस प्लस होगा तो उसको हम हमेशा माइनस करेंगे, अगर दो निशान माइनस माने माइनस वाले हैं तो उसको हम हमेशा प्लस करेंगे। तो ये 4 आपको पता होना चाहिए कि अगर दो निशान पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तो उसको हम प्लस करते हैं, प्लस माइनस होता है तो उसको हम माइनस करते हैं, माइनस प्लस होता है तो उसको हम माइनस करते हैं, माइनस माइनस होता है उसको प्लस करते हैं। और निशान जो हमारा यहाँ पर जो आएगा आंसर आएगा, ये तो करना है ना उसको, ये तो हम करेंगे, और जो करने के बाद आंसर आएगा, जो निशान आएगा, वो हमने देखना है कि इनके बीच में से बड़ा कौन सा है। तो चलो मैं एग्जांपल के से समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ -3 और यहाँ पर मैं लेता हूँ -5। अब इसका आंसर कितना आएगा, अब देखो माइनस माइनस है, तो मैंने बताया था माइनस माइनस मतलब क्या करना है, प्लस करना है, क्या करना है, इन दोनों को हमने प्लस करना है। तो प्लस करो, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, हमने प्लस कर दिया, क्योंकि हमने सीखा था माइनस माइनस वाले का 2 इंटीजर आ जाते हैं तो हम उसको प्लस कर देंगे। बट अब यहाँ पर निशान कौन सा आएगा 8 का, तो ये सबसे दिक्कत वाली बात है। तो आपने क्या करना है, इनमें से कौन सा बड़ा डिजिट है, 5 या फिर 3, तो 5 बड़ा है ना, 5 अगर निशान भूल जाओ, एक बार सिर्फ निशान भूल जाओ, आपने सिर्फ ये देखना है, आप ये देखना है कि 5 बड़ा है या 3 बड़ा है, निशान नहीं देखना, निशान तो हमने कवर कर लिया, 8 कर दिया। अब देखो 5 बड़ा है या 3 बड़ा है, ओल्ड लिखो तो 5 बड़ा है, 5 के आगे क्या बड़ा है, माइनस बड़ा है, तो हम यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो माइनस माइनस जो भी होता है तो हमेशा माइनस का ही आंसर आता होता है, ठीक है। यहाँ निशान देखने की जरूरत नहीं है, हमेशा याद रखना, अगर कोई भी डिजिट आया जैसे -2
माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस और फोर, और हमेशा नेगेटिव का ही आंसर आएगा जब भी माइनस माइनस होगा, ठीक है ओके। और एक और एग्जांपल कराता हूँ, जैसे अगर मैं कहता हूँ माइनस टू और प्लस फाइव, तो बताओ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और फाइव में से टू जाएंगे तो कितना आएगा भाई, थ्री आएगा। अब थ्री कौन सा आएगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, तो वही फंडा लगाएंगे कि टू बड़ा है या फाइव बड़ा है, तो फाइव बड़ा है, फाइव के आगे क्या पड़ा है, ये फाइव बड़ा है ना, फाइव के आगे क्या बड़ा है, पॉजिटिव बड़ा, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव थ्री हमारा आंसर आएगा, क्लियर है। मैं एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मैं कहता माइनस फाइव और प्लस टू कहता तो मेरा कितना आता, प्लस माइनस माइनस फिर से माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, थ्री आएगा, ठीक है। बट निशान कौन सा आएगा, कौन सा बड़ा है, फाइव बड़ा ना, फाइव क्या है, क्या बड़ा, माइनस बड़ा, तो यहाँ पर माइनस थ्री आ जाएगा। देखो मुझे कितना, माइनस टू प्लस फाइव करेंगे तो प्लस थ्री हमारा आंसर आएगा, माइनस फाइव प्लस टू करेंगे तो हमारा आंसर माइनस थ्री आएगा, तो ये जरूर ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो चलो आगे हम क्वेश्चन करते हैं, तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए माइनस फिफ्टी प्लस माइनस थर्टी, माइनस फिफ्टी थे थर्टी टू, ठीक है, माइनस फिफ्टी थे थर्टी टू, तो यहाँ करते हैं माइनस फिफ्टी और थर्टी टू था हमारा, माइनस फिफ्टी और बीच में प्लस था और यहाँ पर माइनस थर्टी टू था। अब देखो बीच में इसको तो मैं फिफ्टी को वैसे ही रख दूँगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और थर्टी टू, प्लस माइनस माइनस होता ना, अब माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिफ्टी में थर्टी टू ऐड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, एट्टी टू आ जाएगा। बट अब देखो बड़ा कौन सा इसमें से, तो बिग हमारा 50 है, 50 का है क्या बड़ा, माइनस हो रहा, तो माइनस 82 हमारा आंसर आ जाएगा, तो ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना बीच में, यहाँ पर जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 42 माइनस 60 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 60 42 करेंगे तो 102 आ जाएगा हमारा, 102 आ जाएगा, और नेगेटिव निशान आएगा, क्लियर है बात, ओके। तो आगे क्या बोल रहा है, एडिटिंग ऑफ टू इंटीजर हैविंग डिफरेंट साइन, तो डिफरेंट डिफरेंट साइन के रहिए, इसमें सभी सेम साइन के थे, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे, यहाँ दोनों पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव थे, यहाँ दोनों नेगेटिव थे, बीच में एडिंग करें, इसमें अलग अलग साइन के, तो माइनस प्लस है तो सेम टू दे, सिंपल करेंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा, 35 में से 17 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, और निशान कौन सा आएगा, तो निशान हमारा पॉजिटिव क्यों आए, तो कि 35 क्या है, बड़ा है तो बढ़ेगा, क्या पड़ा है, प्लस पड़ा है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ देखो माइनस 63 है, 27 है, तो प्लस माइनस, अगर माइनस प्लस करेंगे तो क्या करना होता है, माइनस करना होता है, तो 63 में से 27 माइनस करेंगे 36 आएगा। बट यहाँ पर नेगेटिव का क्यों आया, क्योंकि 63 जो है वो बड़ा है, उसके आगे माइनस 3 माइनस पड़ा, तो यहाँ भी माइनस आएगा आंसर में भी, क्लियर है बात, ओके। तो आगे कह रहा है एडिटिंग ऑफ इंटीजर, मैंने अभी बता दिया रहा, ये सब कुछ अभी मैंने बताया कि प्लस माइनस करने से क्या आता है, तो वही चीज़ है और कुछ नहीं है। आगे रहिए हमारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिटिंग ऑफ इंटीजर, मतलब कि एडिटिंग ऑफ इंटीजर के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगेगी उस, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, तो चलो करते हैं, तो टाइम बहुत हो रहा है, 8 मिनट की वीडियो हो चुकी है, चलो करते हैं। तो पहली रहिए हमारी प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, तो पहली प्रॉपर्टी हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव यूनिवर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऐसे दो इंटीजर लो कि उनकी ऐड करने के बाद वापस क्या बन जाए, इंटीजर बन जाता है। जैसे a प्लस बी अगर हमने किया, ये देखो 2 प्लस माइनस 4 किया तो माइनस 2 आ रहा है, माइनस 2 एक इंटीजर है ना, एक इंटीजर है। माइनस 3 प्लस 7 किया तो 4 आया, 4 क्या है, एक इंटीजर है ना, कि भाई इंटीजर को इंटीजर से प्लस करने से हमारा इंटीजर बनना चाहिए, तो वो क्या प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो वो हमारी कॉम्यूट मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर देगी, मतलब कि ऐसे दो इंटीजर जिसको ऐड करने से वापस इंटीजर बने, तो वो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, ठीक है, क्लियर हुई क्लोजर प्रॉपर्टी। आगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कि भाई ऐसा नंबर, जैसे कि अगर मैं 3 + 2 करता हूँ तो मेरा कितना आता है, 5 आता है, अगर मैं 2 + 3 करता हूँ तो मेरा कितना आता है, 5 आता है, तो ये 2 और 3 जो है, अगर मैं इनको उल्ट करके लिखता हूँ, पहले 3 लिख रहा हूँ, फिर 2 लिख रहा हूँ, फिर 5 आ रहा है, पहले 2 लिख रहा हूँ, फिर 3 लिख रहा हूँ, फिर मेरा 5 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि a प्लस बी और b प्लस ए, ठीक है, और 5 + 8 करेंगे, 8 + 5 करेंगे, हमारा आंसर हमेशा 13 ही आने वाला है, ओके। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है,
कि जैसे मैं एग्जांपल फिर से एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि 3 + 5 + 2, ठीक है, और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 3 + 5 + 2 सेम रकम, अगर मैं पहले इन दोनों को प्लस करूँ और यहाँ पर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो मेरा आंसर तो हमेशा सेम ही आएगा ना। यहाँ करते हैं 3 + यहाँ पर कितना बन जाएगा 5, और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 और 3 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर अगर 3 + 5 करेंगे तो 8, 8 और + 2 करेंगे तो 10, तो 10 नहीं आ रहा दोनों में। बट मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले इसको सॉल्व किया और फिर इसको सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया और यहाँ पर इसको सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, पर आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा ना। तो वैसे ही राजे देखो, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि a + b + c और a + b + c मतलब कि -2 + 5 - 2 - 2 प्लस, पहले इन दोनों को सोल्व कर लिया, यहाँ पर इन दोनों को सोल्व कर लिया, बट हमारा लास्ट में आंसर सेम आ रहा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ओके, अब बारी आती है हमारी आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि ऐसा इंटीजर जिसको ऐड करने से वापस वही नंबर बन जाए। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि 5 में क्या मैं ऐड करूँ कि वापस मेरा 5 बन जाए, तो बताओ क्या है, कौन सा ऐसा इंटीजर है जिसमें ऐड करने से वापस मेरा 5 बन जाएगा। तो आप कहोगे 0, 0 ऐड करेंगे 5 बन जाएगा। तो 0 जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होता है। किसी मर्जी इंटीजर के अंदर 0 ऐड करो वापस वही आएगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ -2 में अगर मैं 0 ऐड करूँगा तो मेरा कितना आएगा, -2 आएगा। 3 के अंदर अगर मैं 0 ऐड करूँगा तो मेरा कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये 0 जो है वो हमारी क्या कहलाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स ऐसा होता है कि ऐसे इंटीजर का ऐसा इन्वर्स कि भाई 2 का ऐसा कौन सा होगा, 2 को कौन होगा जिसको हम इसको ऐड करने से हमारा आंसर जो है वो 0 आ जाए, आंसर मेरा क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। ऐसा कोई इंटीजर जिसको हम इसमें ऐड करने से हमारा 0 आ जाए, तो मैं यहाँ पर -2 कर सकता हूँ, क्योंकि प्लस माइनस -2 तो मेरा 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनवर्स क्या होता है कि भाई ऐसा इंटीजर जिसको ऐड करने से वापस 0 आ जाए। जैसे मैं कहता हूँ 5, इसमें मैं क्या ऐड करूँ, चलो मैं ये नहीं लेता, मैं कहता हूँ कि मेरा -5 है, इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा आंसर 0 आ जाए, तो आप कहोगे 5, तो ये कैंसिल हो जाए, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारा इनवर्स क्या होता है कि उसका उल्टा होता है। अगर मैं कहता हूँ 5 का, अगर मैं कहता हूँ कि भाई 3 का इन्वर्स कितना हो, तो आप कह दोगे -3, और अगर -3 का इन्वर्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तभी तो 0 आएगा। तो ये थी हमारी एडिटिव इन्वर्स। हाँ, देख सकते हो आप -a में क्या ऐड करेंगे, 0 आ जाए, तो a ऐड करेंगे, और यहाँ पर देखो कि a में क्या ऐड करेंगे कि क्या 0 आ जाए, तो -a ऐड कर देंगे। ओके, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिटिंग ऑफ इंटीजर्स की प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युनिटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। तो ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे हम इसके क्वेश्चन वगैरह करेंगे, और आगे हमारी सब्ट्रैक्टिंग ऑफ इंटीजर आएगी, टाइम बहुत हो रहा है, तो अगली वीडियो में करते हैं हम ये सब्ट्रैक्टिंग इंटीजर की, मतलब कि इसके अंदर ही प्रॉपर्टी सेम ही है क्लोजर वर्स, इसके अंदर हम नेगेटिव माइनस करेंगे और इसके अंदर हम पॉज मतलब कि ऐड कर देते हैं, फिर हम 1.2 भी उसी वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।